अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ब्लाइटेड ओवम। ब्लाइटेड ओवम क्या होता है, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, क्या रीजंस होते हैं और सोनोग्राफिकली क्या फीचर्स हैं। सो एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी असल में होती क्या है। एन एम्ब्रियोनिक एक्चुअली दिस इज़ द फेल्ड अर्ली प्रेगनेंसी। गेस्टेशनल सैक तो उसमें होता है लेकिन एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है और हम इसको ब्लाइटेड ओवम कहते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी तो है लेकिन उसमें बेबी फॉर्मेशन नहीं है, बेबी नहीं बन रहा। सो दिस इज़ द ब्लाइटेड ओवम। इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में ऐसा है कि पेशेंट को वजाइनल ब्लीड होगा, बीटा एचसीजी लेवल्स जो है वो डाउन होंगे। सोनोग्राफिकल फीचर्स में देखें, हमें अल्ट्रासाउंड में कैसे पता चलेगा। सो इसमें अगर हम ये चीज़ देखें तो जो फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स वो ये हैं कि हमें अर्ली प्रेगनेंसी में जो है वो गेस्टेशनल सैक तो नज़र आएगा, उसमें डेसिडुअल रिएक्शन भी होगा, लेकिन उसमें जो है वो योक सैक और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आएगी। जस्ट लाइक द सैक है, सिस्ट की तरह सैक नज़र आएगा लेकिन उसमें बेबी फॉर्मेशन या बेबी जो है वो नहीं होगा। इस वीडियो में देखें तो देखें, ये अल्ट्रासाउंड की वीडियो है। हमें जो है अल्ट्रासाउंड में गेस्टेशनल सैक बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, जो है वो गेस्टेशनल सैक है जस्ट लाइक द सिस्ट अपीयरेंस। लेकिन उस सैक में किसी भी किस्म का जो है वो हमें एम्ब्रियो नज़र नहीं आ रहा, फीटस नज़र नहीं आ रहा। सो इसको हम कहते हैं ब्लाइटेड ओवम, यानी एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। सो एज़ यू कैन सी इन दिस इमेज, सेम कंडीशन है, प्रेगनेंसी तो है, गेस्टेशनल सैक भी है लेकिन उसमें जो है वो किसी भी किस्म का फिटस एम्ब्रियो नज़र नहीं आ रहा। सिम्टम्स, क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या हैं। सो क्लिनिकल इंडिकेशंस में पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा, जस्ट लाइक द अर्ली प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को जो है वो क्रैम्प्स होंगे, एब्डोमिनल पेन काफ़ी ज़्यादा होगी। सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग और द मिसकैरेज। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन वजह से जो है वो एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी होती है। एग क्वालिटी जो है वो नहीं अच्छी हो सकती, स्पर्म क्वालिटी नहीं अच्छी होगी, दैट्स द रीज़न के आपका जो है वो फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी हो गया। सो ट्रीटमेंट हम इसमें क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पेशेंट को मेडिकेशन से ट्रीट करेंगे कि उसका जो है वो स्टार्ट हो जाए एम्ब्रियो बनना और वजाइनल ब्लीड जो है वो ख़त्म हो जाए। और अगर जो है वो नहीं होगा फिर भी आपको बार बार, हम कुछ वीक्स तक वेट करेंगे। अगर फिर भी जो है वो एम्ब्रियो डेवलप ना हो, ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप ना हो, तो देन हमने दूसरे तरीके की तरफ जाना होता है, दैट इज़ द डीएनसी। एंड फिर जो है वो डीएनसी करके उसका मिसकैरेज कर दिया जाएगा एंड द पेशेंट विल बी फ्री। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेलोज एंड कोलीग्स। अल्लाह हाफिज़।